ओम प्रज्ञानम चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि प्राणायाम कहाँ और कैसे करना चाहिए। आज हम उसी प्राणायाम के आगे की बात करेंगे। इस शेल के अंदर पाए जाने वाले शेल ऑर्गेनेल्स और जिसमें कि ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में पाया जाने वाला डीएनए, डीएनए हर कोशिका में पाया जाता है और इस डीएनए की लंबाई 100 ट्रिलियन मीटर पर ह्यूमन होती है। 100 ट्रिलियन मीटर को आप अगर समझना चाहें तो ऐसे समझें कि अगर पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को नापा जाए तो कम से कम 100 बार या 600 बार इस दूरी को नापा जा सकता है 100 ट्रिलियन मीटर से। और ये हमारे इस सेल के अंदर पाए जाते हैं। और इससे आप ये जान लीजिए कि इस डीएनए का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हमने पिछले दिन कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी कार्बन के, तो यहां पर इसकी जो संरचना है वो न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड्स कहते हैं इसको, फॉस्फेट, सुगर और नाइट्रोजन से मिलकर कुछ ये बनता है। हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे हमने कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था, उसके प्रोटॉन, उसके न्यूट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन, और उसी तरीके इस फॉस्फेट, सुगर और नाइट्रोजन को डिफाइन किया जा सकता है। तो हम यहां पर भी बता सकते हैं कि ये डीएनए बना है तो उन्हीं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से बना है तो यहां पर भी वो ऊर्जा है, यहां पर भी वो प्राण है जो प्रवाहित होता है। और हम बात करते हैं योग की। यहीं से आप देखते होंगे कि पातंजलि योग सूत्र में एक सूत्र मिलता है तृतीय चैप्टर में, उसके तीसरे पाद में, जिसमें लिखा है नाभ चक्रे काय व्यू ज्ञानम। नाभ चक्र पर संयम करने से पूरी काया का ज्ञान हो जाता है, पूरी बॉडी का ज्ञान हो जाता है। उसमें सेल हो, चाहे सेल ऑर्गेनेल्स हो, डीएनए हो, आरएनए हो, एमआरएनए हो, आरआरएनए हो, कुछ भी हो, सारा ये नॉलेज आ जाता है। कब? जब हम नाभ चक्र पर संयम करते हैं, तब। ऐसा पातंजलि योग सूत्र कहता है। और पातंजलि योग सूत्र जब ये बात कहता है तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। बहुत पुराना मंत्र है, सारे लोग जानते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो भृश्य गुरुस्व शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। इसमें सारे ग्रहों के नाम है, 9 ग्रहों के नाम है। आज चाहे जितनी बड़ी टेलीस्कोप लगी हो, इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, सारे इन्हीं ग्रहों के नाम बताते हैं, 9 ग्रहों के नाम बताते हैं। और जो कलर हमारे इन ऋषियों ने बताए हैं, बृहस्पति पीला है, तो आज भी बृहस्पति को पीला ही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी, जैसे यहां पर हमने बात की कि नाभि चक्र पर संयम करके पूरी काय का ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही संयम करके उन्होंने ताराओं की गति, ग्रहों की गति और उनके बारे में सारी बातें बताई हैं। लेकिन हम यहां बात बताना चाहते हैं कि इस नाभि चक्र पर संयम करने से हमें स्थूल शरीर का ज्ञान होगा, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होगा और कारण शरीर का ज्ञान होगा। और यही तीनों शरीर हमारे इस शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसा योग इसको मानता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान इस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में कोई बात नहीं करती, वो यहां डीएनए की बात करती है। 100 ट्रिलियन मीटर जो डीएनए है, 100 ट्रिलियन मीटर उस डीएनए वहां है जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते इस सेल को। लेकिन जब बात यही हम करते हैं कि इसी शरीर में, कौन से शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, ये हमारे 72,000 नाड़ियों की चर्चा मिलती है। हठयोग के ग्रंथों में गैरन संहिता, हठ प्रदीपिका, इनमें 72,000 नाड़ियों की चर्चा मिलती है, जबकि शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों की चर्चा मिलती है। वहां पर 14 मुख्य नाड़ियां हैं और 3 प्रमुख नाड़ियां पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कही गई हैं। लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमने एनाटॉमी कल उसका डिसेक्शन करके देखा शरीर का, कहीं पर ऐसी नाड़ियां नहीं पाई गई। एमआरआई कर लीजिए, अल्ट्रासाउंड कर लीजिए, एक्सरे ले लीजिए, लेकिन इन नाड़ियों को कहीं हम पाते नहीं है। 72,000 नहीं है ना, 3.5 लाख है। तो हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि ये नाड़ियां सूक्ष्म शरीर में होती हैं। जब इतना सूक्ष्म डीएनए हो सकता है तो इससे भी सूक्ष्म कुछ हो सकता है, उसकी बात योग करता है, केवल योग करता है। इसीलिए इनको हम किसी भी जो हमारे मौजूदा इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल साइंस में, उनसे इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, 72,000 नाड़ियों और 3.5 लाख नाड़ियों को। और उसी प्रकार वो बात करते हैं चक्रों की। इस सूक्ष्म शरीर में चक्र भी है, कहीं पर 6 चक्र है, कहीं पर 9 चक्र है, और हम जनरली 7 चक्रों के बारे में पढ़ते आए हैं, सहस्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार। इन चक्रों के माध्यम से, इन नाड़ियों के माध्यम से ये प्राण का प्रवाह होता है। और इस प्राण को, जैसा कि हमने पिछले दिन डिफाइन किया था कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के माध्यम से, हमने बताया था, और आज हम उसी को और इलेबोरेट कर रहे हैं। ये
पंच प्राणों के रूप में शरीर में विद्यमान है, उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान। योग के विद्यार्थी इनके जो कार्य हैं उनको भी जानते हैं और ये कहां पाए जाते हैं, जैसे उदान शरीर के ऊपरी भागों में, गले के ऊपर, प्राण हमारे हृदय के समीप, समान नाभिक के समीप, अपान नीचे गुदाद्वार के समीप और व्यान पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय पंच उप प्राणों की भी चर्चा मिलती है। उन पंच उप प्राणों की चर्चा के कारण हम ये पाते हैं कि पूरे शरीर में ये प्राण 10 प्राणों के रूप में, 5 प्राण और 5 उनके उप प्राणों के रूप में मिलता है। ये सारा सूक्ष्म शरीर में पाया जाता है। अब जैसे स्थूल शरीर के बारे में हम जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कॉर्ड मार्ग से जुड़ी होती है और जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसको काट दिया जाता है। उसके पहले उसको नरिशमेंट कहां से मिल रहा था, तो नाभि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, नाभि से जुड़ा होता है वो। इसीलिए स्थूल शरीर का प्रवेश द्वार नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र है। और जबकि हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं तो योग कहता है उसका प्रवेश द्वार आज्ञा चक्र है और कारण शरीर का प्रवेश द्वार अनाहत चक्र बताया गया है। इन चक्रों के माध्यम से इन शरीरों में प्रवेश किया जा सकता है। ये सब साधना की बातें हैं। हम यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि जो डीएनए, जो ये जैविक द्रव्य, जो ये साइटोप्लाज्म यहां पर जीवन का निर्माण कर रहा है, जो माइटोकांड्रिया यहां पर ऊर्जा का निर्माण कर रही है, वही ऊर्जा जब सूक्ष्म रूप में प्राण के रूप में आगे बढ़ती है तो इन्हीं चैनल्स के माध्यम से 72,000 नाड़ियां 7 चक्रों के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होती है और उन्हीं नाड़ियों और उन्हीं चक्रों को प्यूरिफाइड करने के लिए योग में हर साधना का समावेश किया गया, चाहे वो षटकर्म हो, आसन हो, प्राणायाम हो, मुद्रा हो, बंद हो, मेडिटेशन हो, धारणा ध्यान समाधि हो, कुछ भी बातें की जाती है तो उसमें चर्चा इन नाड़ियों की आती है। आप दो बातों पर गौर फरमाइएगा कि हम देखते हैं हठ योग है और दूसरा कहते हैं राजयोग है। दोनों योग हमें साधना से सिद्धि की बात करते हैं। हठ योग में हम प्राण पर नियंत्रण करते हैं और राजयोग में हम मन पर नियंत्रण करते हैं। जब हम प्राण पर नियंत्रण करते हैं तो उसे हठ योग कहते हैं और जब हम मन पर नियंत्रण करते हैं तो उसे राजयोग कहते हैं। और इन्हीं दोनों योग के माध्यम से हम इन पर, प्राण और मन पर नियंत्रण पा जाते हैं। प्राण और मन पर नियंत्रण करके कोई भी साधक अपनी साधना के उच्च शिखरों को, उच्च सोपानों को प्राप्त कर सकता है। और हम यहाँ पर आपको आज इतनी ही बात बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।